योगी मंत्रिमंडल को लेकर चल रही गहमागहमी तेज हो गई है। यूपी सदन में मौजूद है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोनों डिप्टी सीएम कर रहे हैं योगी के आने का इंतजार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी यहां पर कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं और योगी के आने का इंतजार किया जा रहा है। योगी के आने के बाद मीटिंग के लिए निकलेंगे तीनों लोग और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी मंत्रिमंडल को लेकर यह महामंथन लगातार जारी है और बड़ी खबर यह है कि यूपी सदन में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मेरे साथ इस वक्त यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश जी, पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई, और अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आपका मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, 2024 का भी ध्यान रखना है, आपके सहयोगी पार्टियों का भी ध्यान रखना है, क्या होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व निर्धारित पक्ष के अनुसार जो नीति रीति सिद्धांत हैं उनका पालन करते हुए वो शासन सत्ता को चलाती है। हम आश्वासन नहीं, प्रशासन के आधार पर काम करते हैं। पिछली जो सरकारें थी वो आश्वासन के आधार पर काम करती थी, इसलिए हमने घोषणा पत्र नाम नहीं रखा है, उसका नाम संकल्प पत्र रखा है। और संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए हैं, पिछली बार भी चुन चुन कर एक एक संकल्प को हमने पूरा किया था, इस बार भी जो संकल्प हमने लिए हैं, चाहे वो पशुओं के जो हमारे निस्सहाय जो पशु हैं, खासतौर से गोवंश हैं, उनकी समस्या से संबंध है, चाहे किसानों की आमदनी को दोगुने करने का प्रयत्न है, युवाओं को रोजगार का सृजन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयत्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण या उनको विशेष प्रकार से नौकरी में सुसज्जित करने का प्रश्न है, और सातवें एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए जो साथ साथ एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य है, उनके साथ साथ जो हमारे 14 हवाई अड्डे संचालित हैं उनको आगे बढ़ाते हुए 22 हवाई अड्डों तक का उनका संचालन ले जाना, जो भी 32 हमारे मेडिकल कॉलेज हैं इनको आगे बढ़ाते हुए 64 मेडिकल की कॉलेज की जो स्वीकृत मिली है उसका भी विस्तारीकरण करते हुए प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की। तो डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे और उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। अब चूंकि नई सरकार का गठन होना है, मंत्रिमंडल का गठन होना है, लिहाजा सबकी निगाहें इस पर है कि डिप्टी सीएम की भूमिका कौन अदा करता है और दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य इन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जब पहुंचने वाले हैं तो उनका इंतजार किया जा रहा है और कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी। हम रुख करते हैं सीधे अजीत का, अपने सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहां पर उनका इंतजार हो रहा है। मकसद साफ है कि गठबंधन, माफ कीजिएगा, जो मंत्रिमंडल का गठन होना है वो तय हो, और इसके अलावा डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी और मौजूदा जो डिप्टी सीएम है उनकी भूमिका, ये सब कुछ तय हो जाएगा। देखिए बिल्कुल विवेक, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम थोड़ा सा डिले जरूर हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे यहां से रवाना होंगे और दिल्ली के लिए जाएंगे। बाकायदा जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो समय से पहुंचना था, उनको 9 बजे जाना था, फिर 11 बजे हुआ, अब 1 बजे जाएंगे। वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ जो कोर कमेटी की बैठक है, बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, और उत्तर प्रदेश के 2022 के जो नया मंत्रिमंडल है, संभावित मंत्रिमंडल है, उनके नामों पर चर्चा होगी, अंतिम मोहर होगी। इसके साथ ही विधान परिषद के जो 36 सीटों पर चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, हालांकि ये चुनाव के पहले होना था लेकिन अब चूंकि विधानसभा के चुनाव के बाद हो। अजीत, आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लौट रहे हैं आपके पास दोबारा, और ये बड़ी बात है जो अजीत बता रहे हैं, क्योंकि ये 3-4 विषय हैं जिस पर आज बातचीत होनी है। सबसे बड़ा विषय है मंत्रिमंडल का गठन, दूसरा बड़ा विषय है विधान परिषद में जो सदस्य होंगे, और तीसरा बड़ा विषय है कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर, मौजूदा डिप्टी सीएम को लेकर क्या कुछ फैसला होना बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे निकलेंगे लखनऊ से, और लखनऊ से दिल्ली की दूरी किलोमीटर के हिसाब से तो करीब करीब 500 के आसपास है, लेकिन हवाई मार्ग पर ये 1.5 घंटे का रास्ता लगता है, देरी लगती है। अजीत, पूरी बात कहिए। अजीत, आपको आवाज आ रही है?
अजीत बोलिए, आप जो बात कह रहे थे उसको पूरा करिए। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि 2022 का जो संभावित मंत्रिमंडल होगा उसमें एक बड़ी बात यह है कि उसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी रिकॉर्ड को देखा जाएगा। जिन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उनके पुरानी जो उनकी सियासत या उनकी राजनीतिक जो करियर है, उनके काम करने का तरीका क्या है, वो जनता में कितने लोकप्रिय है, उनकी स्टाइल क्या है, इसको भी देखा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2017 से 2022 की जो सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, उसमें उन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों को उनके पदों से हटा दिया था। धर्मपाल सिंह सिंचाई मंत्री थे, उनको हटा दिया गया था। जो राजेश अग्रवाल थे वित्त मंत्री, उनको हटा दिया गया था। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल को हटा दिया गया था। तो 6 से 7 ऐसे चेहरे थे जिनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और उसकी वजह यह थी परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनकी ठीक नहीं थी, भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। तो इस बात को बहुत ध्यान रखा जाएगा कि जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा उनकी ईमानदार वाली छवि जरूर देखी जाएगी। दूसरी बात यह कि विधान परिषद का जो चुनाव है, विधान परिषद में 36 प्रत्याशियों का चुनाव होना है एमएलसी का, उसके प्रत्याशियों पर अंतिम मोहर लगेगी। हालांकि 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोर कमेटी की बैठक अपने आवास पर कर चुके हैं, और आज दिल्ली में इस पर मोहर लगने, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे जो यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, बीएल संतोष जो बिल्कुल बिल्कुल ये सारी कवायदें जा रही है जी, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन होना है, इतना आसान नहीं होता है। 273 विधायक हैं पूरे एनडीए के पास, तो इनमें से कुछ चेहरे को चुनकर रखना है और मंत्री बनाना है, कुछ चेहरे जो हार गए, जो पहले मंत्री थे, 11 चेहरे उसमें तमाम दिग्गज हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। पवन हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से, यूपी भवन के बाहर मौजूद है। पवन, क्या खबर आ रही है वहां से? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनका पहुंचना लगातार जारी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ मौजूद है, बीएल संतोष के भी पहुंचने की सूचना मिल चुकी है, और जो तमाम दिग्गज लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है, इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उनके आने के बाद जो बैठक होगी वो बेहद अहम मानी जाने वाली है, क्योंकि मंत्रिमंडल के को लेकर के चर्चा और साथ ही साथ अन्य मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, और अमित शाह के साथ ये बैठक होनी है। फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक ये बैठक अमित शाह के घर पर भी हो सकती है और बीजेपी मुख्यालय में भी हो सकती है। अभी जगह पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं की गई है, ना ही पूरी तरीके से उसको डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद ये जरूर है कि ये बैठक जब शुरू होगी